200 गज हाउस डिजाइन 30x60 की जगह में एरोसिटी मोहाली की प्राइम लोकेशन में। फ्रेंड्स पहले आप देखिए इस घर की ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने। इस घर के ब्यूटीफुल ग्लिम्स, अभी जो घर है 30 फुट की चढ़ाई में और 60 फुट गहराई में, 30x60 एरोसिटी मोहाली के अंदर प्राइम लोकेशन के अंदर। अब ये एरोसिटी जो एरिया है बेसिकली 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और ये जहाँ पे एरिया है ये प्रॉपर गमाडा का अप्रूव्ड एरिया, गमाडा ने इसको काटा था। और बेसिकली ये है कि यहाँ पर सारी की सारी रोड मेंटेनेंस और जो पार्क मेंटेनेंस है वो बहुत ही शानदार है। उसमें क्या है कि रहता है कि प्रॉपर मेंटेन करती है गवर्नमेंट। अब पहले आप देखिए इसके साइड व्यूज़ के कितने शानदार व्यूज़ हैं इस घर के, मतलब बेसिकली प्रॉपर मेंटेन्ड एरिया, पार्क फेसिंग पास में ही है इसके, तो बहुत ही शानदार व्यूज़ आप देखिए। इस घर के साइड व्यूज कितने सुंदर है। अब ये जहाँ पर ये घर है 30 फुट की चौड़ाई में, जैसे मैं बताया 30 फुट वहाँ हमने किस तरीके से डिवाइड किया, तकरीबन 3 फुट का तो ये पिलर दिया और 8 फुट ऊपर है, उसके साथ हमने एक विकेट गेट दिया जो कि 2 फुट का है और तकरीबन 10 फुट का ये वाला गेट है, उसके साथ हमने यहाँ पर भी 1 फुट का एक पिलर बना रखा है। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर स्टील रेलिंग का वर्क है, स्टील रेलिंग में मतलब स्टील में प्रॉपर मेन गेट बना हुआ है, उसके साथ हमने WPC का काम किया है, टफ एंड ग्लास का बहुत ही शानदार काम है, बहुत ही अमेजिंग हमारा मेन गेट नज़र आ रहा है। यहाँ पर वर्म एरिया तकरीबन 6 फुट की चौड़ाई में आपको वर्म एरिया 30 फुट में, तो यहाँ पर आपके घर के सामने ही गाड़ियाँ पार्क हो जाएगी, पार्क फेसिंग होने के कारण आपको उधर भी एरिया मिलेंगे। यहाँ पर भी हमने अच्छा काम किया है टाइलिंग का, लाइट ब्राउन और वाइट का अच्छा मल्गमेशन, उसमें हमने बहुत ही शानदार ग्रेनाइट का काम किया गया, ये प्रॉपर WPC और स्टील रेलिंग का वर्क है, बहुत ही अमेजिंग वर्क है। अब इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करेंगे, फ्रंट एलिवेशन में हमने लाइट ब्राउन का काम किया गया है, प्रॉपर स्टील रेलिंग का वर्क है, टफ एंड ग्लास का बहुत ही शानदार काम, आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को। आपने देख लिया कितनी सुंदर फ्रंट एलिवेशन है, बहुत ही अमेजिंग घर होने वाला। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा मिस नहीं कर सकते, अब चलेंगे इस घर के अंदर। इस घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है ब्यूटीफुल फ्रंट कोर्टयार्ड। फ्रंट कोर्टयार्ड की डिमेंशंस की बात करूं तकरीबन 8 फुट की चौड़ाई में और 30 फुट लंबा एरिया, तो बहुत ही शानदार। यहाँ पे हमने अच्छी टाइलिंग का काम किया जो कि बहुत ही आपको ज़बरदस्त नज़र आ रही है। यहाँ पर भी अच्छा काम किया गया फ्रंट में एलिवेशन पर टाइलिंग का, जो कि स्टोन क्लैडिंग का वर्क लग रहा है, यहाँ पर भी टाइलिंग का काम किया, तो अमलगमेशन लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और ज़्यादा डार्क ब्राउन का, तो बहुत ही शानदार। और यहाँ पर हमने जो भी गेट दिए गए 8 फुट की ऊँचाई पर दे रखे हैं, और यहाँ पर भी अच्छा वुडन का काम, टाइलिंग का काम, उसके साथ ये बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन पे हमारा मेन ड्राइंग रूम एरिया है, और वाइट लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का अच्छा अमलगमेशन, आप देखिए इसके फ्रंट कोर्टयार्ड एरिया को। एरोसिटी मोहाली के अंदर है, ये फ्लोर वाइज के घर बिक रहा है और पूरा का पूरा घर भी बिक रहा है एरोसिटी के अंदर, बहुत ही प्राइम लोकेशन के अंदर। अब ये जो हमारा यहाँ पर ये फ्रंट पे जो स्टेयर्स जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर को जा रही है, ग्राउंड फ्लोर पर जिस तरीके का नक्शा है वैसी फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पर है, और यहाँ पर अच्छा काम किया गया है हमारी स्टोन क्लैडिंग वर्क का, कितनी शानदार। और यहाँ पे ये डोर है, बेसिकली यहाँ पे किचन है, यहाँ पे फ्रंट में भी एक डोर है, 2 डोर्स के साथ आपकी एंट्री है, और यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम दिया गया है जो कि आप जब जैसी कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको यूज करने के लिए, और प्रॉपर स्टोन क्लैडिंग का वर्क, आप देखिए इसके कॉमन वॉशरूम को। हम फिर चलेंगे इसकी फ्रंट एंट्री की गेट से। वॉशरूम जो कि कॉमन वॉशरूम था, अब ये जो हमारा मेन गेट के सामने हमारा मैश डोर का भी काम किया गया है, और प्रॉपर टीक वुड के अंदर हमने इसके अंदर प्यू पॉलिश का बहुत ही शानदार काम, क्लोजअप में आप देख सकते हैं कितनी शानदार व्यूज आपको नजर आ रहे हैं अपने स्क्रीन पर, प्रॉपर मैट फिनिश के अंदर ये एरियाज हैं। और ये भी हमारा मेन डोर है, बहुत कुछ बता रहा है हमारे घर के बारे में, तकरीबन 4 फुट की चौड़ाई में 8 फुट लंबा गेट। मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो पोटेंशियल, सो लेट्स गो एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है ब्यूटीफुल
ड्राइंग रूम एरिया। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 12 फुट बाय 15 फुट का बहुत ही शानदार हमारा ड्राइंग रूम है। इसमें हमने वुडन पार्टीशन MDF की जाली को काट के वुडन पार्टीशन का काम किया गया है, बहुत ही शानदार काम किया गया है। लाइट वुड टीक का और डार्क ब्राउन का अच्छा अमलगमेशन किया है, प्रॉपर वाइट कलर, लाइट वाइट कलर का काम किया गया है हमारे वॉल्स के ऊपर, जो कि बहुत ही शानदार वर्क दे रहा है हमारे वेंटिलेटेड एरियाज को, जहाँ पे हमने मेश डोर और स्टील रेलिंग का वर्क किया गया है हमारी विंडोज़ के अंदर। और बहुत ही अमेजिंग हमारी यहाँ पे फ्रंट ऊपर की फॉल सीलिंग डिज़ाइन है, बहुत ही अमेजिंग आपको नज़र आएगी। जितनी स्लीक लुक में डिज़ाइनिंग रहती है उतनी ज़बरदस्त आपके कैमरा स्क्रीन पे नज़र आती है। और नीचे वाइट टाइलिंग का बहुत ही शानदार वर्क। जब भी आप ड्राइंग रूम डिज़ाइनिंग की बात करें कि इस तरीके से ड्राइंग रूम डिज़ाइन करना चाहिए, हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए। जितना भी हैवी वर्क करना है आपने ड्राइंग रूम में कर लीजिए, बेडरूम को जितना लाइट रखेंगे उतना ही पीसफुल और कामनेस रहता है। आप देखिए इसके ड्राइंग रूम को। फिर इसके बाद चलते हैं यहाँ पर, ये कॉमन एरिया है जिसको लॉन्च एरिया बोला जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं मिडल ऑफ द घर के अंदर हूँ, बैक साइड पे मेरे 2 bedrooms हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी किचन है, राइट साइड पे एक लॉन्च एरिया, तो बहुत ही शानदार लॉन्च एरिया। इसकी डिमेंशन की बात करूँ 10x30 का ये एरिया है, बहुत ही शानदार। इसमें हमारी किचन भी इंक्लूडेड है, डाइनिंग एरिया भी इंक्लूडेड है, लॉन्च एरिया भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर आपकी प्रॉपर LED TV यूनिट का डिज़ाइन किया गया है हमने लाइट ब्राउन का, अच्छा अमलगमेशन किया है कलर्स का, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, जैसे ये डार्क ब्राउन कलर हो गया, ये लाइट ब्राउन हो गया। यहाँ पर माइका का काम किया है, सिमिलरली माइका का काम किया गया है हमारा LED TV यूनिट के अंदर। प्रॉपर कॉपर की हमने पाइपिंग का इस्तेमाल किया गया है जो हमारी AC की फिटिंग्स के अंदर। बहुत ही शानदार हमारी सीलिंग डिज़ाइन है, जो मॉडर्न लुक में सीलिंग डिज़ाइन चल रही है जिस तरीके से, उस तरीके का सीलिंग डिज़ाइन है, तो बहुत ही शानदार है। ये हमारा डाइनिंग एरिया, आप देखिए इसको। सामने आती है हमारी किचन जो कि ओपन किचन है। इसकी डिमेंशन जैसे मैं बताया था, ये यू शेप की किचन है। यू शेप में कैसे है कि राइट साइड में आपकी किचन ये स्टार्ट हो रही है। इसकी डिमेंशन तकरीबन 10x12 की बहुत ही शानदार किचन है। इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने प्रॉपर ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर वर्क किया गया है लाइट टाइलिंग के साथ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा अमलगमेट कर रहा है हमारे लाइट ब्राउन कलर को। यहाँ पर जब भी आप किचन डिज़ाइनिंग की बात करें, किस तरीके से आप किचन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए अपने किचन के अंदर। हमने प्रॉपर लाइट कलर के अंदर सिर्फ यहाँ पे डार्क कलर का इस्तेमाल किया है, जो कि आपको लुक में ज़बरदस्त। यहाँ पे भी अच्छा सीलिंग का डिज़ाइन है, नॉर्मल सीलिंग किस तरीके से आप कर सकते हो वो इस आप वीडियो के अंदर प्रॉपर देख पा रहे हैं। नीचे एंटीस की टाइलिंग का वर्क किया है। आजकल जो बहुत ही शानदार किचन में सिंक का काम चल रहा है, इसमें हमने एंटी नॉइज वाली सिरामिक की सिंक लगाई है। देखिए सिरामिक वाली है, कोई स्टील की नहीं है, सिरामिक की है, बिल्कुल भी इसके अंदर बर्तन की खड़खड़ की आवाज़ नहीं आती। वेंटिलेटेड एरिया, गीज़र के आपके पॉइंट्स हमने प्रॉपर डिफाइंड किए हैं, गीज़र और RO के। यहाँ पर आपकी चिमनी आ जाएगी, उसके लिए हमने 6 inches का पाइपलाइन का ध्यान रखा है। आपकी पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन का हमने ध्यान रखा है। सारे के सारे सॉफ्ट टच के अंदर जो एनक्लोजर्स चल रहे हैं आजकल, वो हमने प्रॉपर डिफाइंड है। तो बहुत ही शानदार किचन, आप देखिए इसको। देखिए इसके डाइनिंग एरिया, ड्राइंग रूम, अब चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम, जो घर के अंदर जो हमारे सारे के सारे बेडरूम के दरवाजे हैं, प्रॉपर टीक वुड के अंदर हमने PU पॉलिश का काम किया और 8 feet की ऊंचाई तक हमने डोर्स रखा है। बहुत ही शानदार हमारी एरियाज हैं। हम चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो ये फ्रेंड्स अब आ गए हैं इसके फर्स्ट बेडरूम। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 10x14 का बहुत ही शानदार कमरा है। इसके अंदर हमने वाइट कलर का इस्तेमाल किया गया है प्रॉपर एरियाज के अंदर। उसमें हमने लाइट टीक वुड का जो डिज़ाइनर है PU पॉलिश के अंदर, उसका माइका, सिमिलरली यहाँ पे डीको पेंट का वाइट वाला माइका, बहुत सुंदर अमलगमेशन, कितने शानदार हैंडल का डिज़ाइन है जो कि यहीं पर अमलगमेट किए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने खरीदे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लुक, वुडन लुक में ये आपके नज़र आ रहे हैं। अंदर
से भी लैमिनेटेड, बाहर से भी लैमिनेटेड, प्रॉपर वार्डरोब्स किए हैं, ओवरहेड तक डिज़ाइन किए गए हैं, और यहाँ पे अच्छा एलईडी टीवी यूनिट का डिज़ाइन। मुझे इसके हैंडल बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं जो कि यहीं पर बनाए गए हैं, और यहाँ पर भी एलईडी टीवी यूनिट जो आजकल की मॉडर्न लुक में, और ये प्रॉपर सॉफ्ट टच के अंदर सारे के सारे एनक्लोजर्स आपको नज़र आएंगे, और यहाँ पर भी वेंटिलेटेड एरिया। जब भी आप किस तरीके से आप अपना बेडरूम डिज़ाइन कर सकते हैं आप इस वीडियो के अंदर जान पाएंगे। जब भी आप बेडरूम डिज़ाइन करें हमेशा एक ऐसा एरिया रखें जहाँ पे आपका बेड रखने की आपका स्पेस हो। उसके साथ ही आप स्विचेस का ध्यान रखें, क्योंकि आप जब स्विचेस ऑन ऑफ करें उस तरीके से लाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे उतना बेटर रहेगा। फॉल सीलिंग प्रॉपर लाइट कलर में, वाइट कलर में करें, कोई डार्क ब्लू ऐसा रेड वाला काम ना करें, वो मतलब लुक में ज़बरदस्त और वास्तु फ्रेंडली भी नहीं रहता। वास्तु में क्या रहता है कि आपका एक मिरर आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए, तो हमने बेडरूम के लिए मिरर के लिए अलग से एक स्पेस बनाया जहाँ पर आपका ड्रेसिंग एरिया है, और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। जितना आपका घर वेंटिलेटेड रहेगा, आपकी फ्रेश एयर आएगी, उतना अच्छा रहता है। तो ये प्रॉपर फ्रेश एयर के लिए जगह है, बहुत ही शानदार हमारा ये फर्स्ट बेडरूम आप देखिए। हमारा ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया में हमने प्रॉपर लाइट वुड कलर का इस्तेमाल किया जैसे उधर है, और यहाँ पे आपका मिरर आ जाएगा। ये हमारे बाहर बैक कोर्टयार्ड के लिए स्पेस जा रहा है, मतलब आपका दरवाज़ा है। यहाँ पे भी ओवरहेड तक आपकी स्पेसेस है, आप यहाँ पे सारी चीज़ें रख सकते हैं, तो बहुत ही शानदार। इसके साथ ही अटैच वॉशरूम। जब आगे इसके अटैच वॉशरूम इसकी डिमेंशन की बात करूँ, तकरीबन 7 फुट की चौड़ाई में और 8 फुट लंबा एरिया, और यहाँ पर हमने प्रॉपर लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क किया और ग्रीन का अच्छा मल्टीमेशन किया, लाइट ब्राउन और डिप ग्रीन का बीच में एक पैच बना दिया गया है, 2 फुट का पैच, जुक में ज़बरदस्त। यहाँ पे प्रॉपर जो डीको पेंट के साथ हमने यहाँ पर वैनिटीज़ का काम किया जो कि यहाँ पे ही बनी गई हैं, जो कि सॉफ्ट क्लोजर के साथ में है। नीचे एंटीज की टाइलिंग का वर्क। जब भी आप वॉशरूम डिज़ाइनिंग की बात करें किस तरीके से वॉशरूम डिज़ाइन कर सकते हैं, हमेशा लाइट कलर की टाइलिंग का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे इंडियन वॉशरूम्स छोटे होते हैं, लाइट कलर का इस्तेमाल किया है। नीचे एंटीज की टाइलिंग का वर्क, ऊपर नॉर्मल सीलिंग का डिज़ाइन रखिए, प्रॉपर ब्रांडेड एमेनिटीज़ लगाइए, वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए जहाँ पे आपका एग्जॉस्ट लग सके। हमें प्रॉपर एरिया वेंटिलेटेड जो कि एग्जॉस्टेड एरिया रहेगा, और बहुत ही शानदार आप ड्राई और वेट एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसमें प्रॉपर ड्राई एरिया उसको टफ एंड ग्लास के साथ आप कर सकते हैं। टफ एंड ग्लास नहीं करना चाहते तो क्या है कि कर्टन्स भी आते हैं जो कि वाटरप्रूफ कर्टन्स होते हैं, उसको भी लगा सकते हैं, एक आयल लगा दीजिए उसके अंदर यूज़ करिए। और क्या है कि न्यूट्रल कलर का जितना इस्तेमाल करके उतना बेटर रहेगा, टेंजेंट कलर आपको तीखे नज़र आते हैं, लोग मान लो यहाँ पे पर्पल कलर हो तो वो लुक में अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत ही शानदार हमारा वॉशरूम है आप देखिए। फिर इसके साथ आता है हमारा अटैच्ड बैक कोर्टयार्ड एरिया। बैक कोर्टयार्ड एक ऐसा स्पेस जहां पर आप अपनी वॉशिंग एरिया वगैरह बना सकते हैं, और बहुत ही स्पेशियस बैक कोर्टयार्ड है। इसकी डिमेंशंस की बात करूं तकरीबन 12x20 का बहुत ही शानदार एरिया है, बहुत ही स्पेशियस आपको नज़र आ रहा होगा। क्यों स्पेशियस है? क्योंकि गमाडा का एक ये रूल है कि आपको 80% कवर्ड ही एरिया कर सकते हैं आप, और 20% आपको फ्री रखना है, तो ये फ्री एरिया है। हमने फ्रंट में भी कोर्टयार्ड रखा था, बैक में भी कोर्टयार्ड है, तो बहुत ही शानदार। यहाँ पे हमने टाइलिंग का वर्क किया, और सारी की सारी हमने प्रॉपर टाइलिंग का इस्तेमाल कर दिया गया है। इसमें टाइलिंग का ये फ़ायदा रहता है कि आपकी क्या है कि वो मेंटेनेंस फ्री रहती है। एक बार तो आपका पैसा लगेगा, ये 30 से 35 रुपये स्क्वेयर फुट आपकी टाइलिंग आ जाती है, लेकिन बाद में वो मेंटेनेंस फ्री रहती है। अगर जो आप नॉर्मल इंडियन घरों में काम करेंगे तो क्या कि नीचे से शोर आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो कैपिलरी एक्शन से ऊपर पानी चढ़ जाता है, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा यहाँ पे शोरा आ रहा है, तो इस तरीके का शोरा का नज़र नहीं आएगा। तो आप बैक में आप अच्छा कोर्टयार्ड बना सकते हैं, और उसके अंदर आप हमेशा टाइलिंग का इस्तेमाल करें, और ऐसा एरिया रखें जहाँ पे आपके वॉशिंग एरिया के लिए आप स्पेसेस रखें। यहाँ पे हमने प्रॉपर जैसे वॉशिंग एरिया के लिए हमने पॉइंट्स छोड़ दिए हैं, जहाँ पे आपकी एरिया जहाँ पे आप बेसिकली अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं उसके लिए प्रॉपर पॉइंट है, जहाँ पर आपका स्विच लगेगा, तो बहुत ही अमेजिंग। और पावर पॉइंट का स्विच रखें तो बहुत ही शानदार आप देखिए इसके बैक कोर्टयार्ड को। चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम की डिमेंशंस की बात करूं
12x14 का बहुत ही शानदार कमरा है। इसमें भी हमने अच्छा काम किया गया है वार्डरोब्स का, कितना शानदार लाइट लुक में। मुझे इसके माइका का डिज़ाइन बहुत ही पसंद आ रहे हैं, माइका का डिज़ाइन जो कि बहुत ही सिमिलर लुक में और ग्रेसफुल सिंपल लुक में ये माइकाज हैं। अंदर से लैमिनेटेड, बाहर से लैमिनेटेड, अच्छे ओवरहेड तक वार्डरोब्स, और यहाँ पे अच्छा सीलिंग का काम है, नॉर्मल सीलिंग जो डिज़ाइन है उस तरीके का काम है। प्रॉपर आयल्स हम आपको लगा के देंगे, सारी की सारी जो कर्टन रॉड जिसको आयल्स बोलते हैं वो सारा कुछ लगा के देंगे। इसके साथ हमने मैश डोर विंडो का काम किया गया है, प्रॉपर टीक वुड के दरवाजे हैं। इसके अंदर हमने स्टील रेलिंग का बहुत ही शानदार वर्क और बहुत ही नीचे अच्छा लाइट वाइट टाइलिंग का नॉर्मल सीलिंग, यहाँ पे LED TV यूनिट बहुत ही अमेजिंग लुक में। आप देखिए इसके सेकंड बेडरूम को। इसके साथ ये अटैच हमारा एरिया जहाँ पे हमने ड्रेसिंग एरिया बना रखा है और प्रॉपर वार्डरोब्स बना रखे हैं, अंदर से भी लैमिनेटेड, बाहर से भी लैमिनेटेड। और क्या है कि जब भी आप वार्डरोब डिजाइनिंग बात करें हमेशा डेप्थ में रखें, 2.5 फुट की डेप्थ में रखें। पीछे अगर जो आप यूज़ कर सकते हो तो MDF की जगह बैकलाइट शीट का इस्तेमाल कीजिए, वो गलती नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका वो लगेगा बेसिकली वार्डरोब का एरिया तो वो बैक में गल सकती है MDF की शीट। और क्या है कि ऐसा भी यूज़ कीजिए कि पेस्ट कंट्रोल का यूज़ भी कीजिए, पेस्ट कंट्रोल पहले से ही करवा के लगे, दीमक का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे आप मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपर मिरर होगा। उसके साथ ही अटैच वॉशरूम, इसमें हमने लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का अच्छा मलगमेशन किया है टाइलिंग का, और बहुत ही शानदार ओवरहेड तक टाइलिंग किया है, बहुत ही अमेजिंग हमने इसमें फॉल सीलिंग डिजाइन है। सिर्फ छोटी सी 2 जगह पे सीलिंग डिजाइन किया और उसके अंदर लाइटिंग का इस्तेमाल कर दिया, प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया, और नीचे एंटीस की टाइलिंग का वर्क बहुत ही शानदार टाइलिंग का वर्क। आप देखिए इसके सेकंड वॉशरूम को। फ्रेंड्स आपने देख लिया इसके ग्राउंड फ्लोर के नक्शे को, अब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे आपका कॉमन वॉशरूम है, इसी के साथ हमारी स्टेज आज भी फर्स्ट फ्लोर को जा रही है। अब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे मैंने बताया कि आप आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, ये ग्राउंड फ्लोर पे भी सिमिलर नक्शा है, फर्स्ट फ्लोर पे भी सिमिलर ही नक्शा है, यहाँ पे भी अच्छा स्टोन क्लैडिंग का वर्क है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दिखाऊंगा, थोड़ा सा बोर ना हो जाए। फिर जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, हमारा प्रॉपर ड्राइंग रूम एरिया जैसे ग्राउंड फ्लोर पे था, यहाँ पे भी एरियाज हमने टफ एंड ग्लास के साथ जो कि स्लाइडिंग डोर्स के साथ हमने एरिया बना रखे हैं, जहाँ पे आपकी प्रॉपर बालकनी एरिया, बहुत ही शानदार बालकनी एरिया। और ये एरियाज देखिए कितना पार्क फेसिंग घर होने के कारण बहुत ही शानदार व्यूज नजर आएंगे आपको। अटैच हमारी किचन है जैसे ग्राउंड फ्लोर पे थी, इसी तरीके से सेरेमिक की बहुत ही शानदार हमारी सिंक का काम है, और यहाँ पे भी अटैच्ड हमारा लॉन्च एरिया बहुत ही अमेजिंग आपको नजर आएगा, कितना शानदार लॉन्च एरिया। यहाँ पे अटैच हमारी एक ऐसा एरिया है जो कि हमारी सेकेंड फर्स्ट बेडरूम है, इसमें हमने वुडन टाइलिंग का इस्तेमाल किया है, बहुत ही शानदार लाइट ब्राउन का अमलगमेशन किया है हमारे माइका का, उसके अंदर अच्छा काम किया गया हैंडल जो कि यहाँ पे होममेड हैंडल्स हैं। और इसके साथ ही अटैच्ड हमारा एरिया जो कि कॉमन वॉशरूम है, ये भी कॉमन वॉशरूम है, बहुत ही शानदार वॉशरूम है, पूरे का पूरा स्पेस जैसे 12 फुट की चौड़ाई में और 8 फुट लंबा एरिया, प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया। इसके साथ ही सेकंड बेडरूम फ्लोर का सेकंड बेडरूम देखिए कितना शानदार बेडरूम है, और बैक में भी अच्छा टफ एंड ग्लास के साथ ओपननेस का काम, बहुत ही अमेजिंग सीलिंग डिज़ाइन। आपको ये 200 गज का हाउस डिज़ाइन और 30x60 के अंदर और हर एक फ्लोर पे 2BHK हाउस डिज़ाइन, और क्या है कि एरोसिटी मोहाली के अंदर प्राइम लोकेशन में बहुत ही शानदार लगा होगा। फ्रेंड्स आपने इस घर को खरीदना है या विजिट करना है, अभी नीचे दिए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, मैं खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।